Good morning, students. Students, today we will discuss rest of the multiple choice question of chapter number 1. Let's continue. Students, हमने अपनी last class में multiple choice question किए थे chapter number 1 के ही. वो हमने 1 to 10 किए थे. Today we will continue from 11 to up to 15. 11th is वी कैन वॉच डैश ऑन कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पर क्या देख सकते हैं. एंड योर ऑप्शन आर कार्टून्स, स्टो एंड नंबर्स. विच वन इज करेक्ट इन दिस? यस, यू आर राइट. वी कैन वॉच कार्टून्स ऑन कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पर कार्टून्स देख सकते हैं. 12th इज अ कंप्यूटर कैन नॉट डैश. कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता. एंड योर ऑप्शन आर फर्स्ट इज टेक डिसीजन, सेकेंड इज डू कैलकुलेशन, थर्ड इज वर्क फास्ट. सो कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन. कंप्यूटर अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता है. बिकॉज वी नो वेरी वेल अ कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन एंड इट कैन डू वर्क वेरी फास्ट. तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हुआ? टेक डिसीजन. 13 इज कंप्यूटर इज यूज फॉर बुकिंग टिकट्स एट डैश. कंप्यूटर का यूज़ करके आप कहाँ टिकट्स बुक कर सकते हैं. एंड योर ऑप्शंस आर एयरपोर्ट, सेकेंड इज लाइब्रेरी, थर्ड इज स्कूल. सो कंप्यूटर इज यूज फॉर बुकिंग टिकट्स एट एयरपोर्ट. आप एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज़ करके टिकट बुक कर सकते हैं. 14th इज कंप्यूटर इज यूज फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ डैश. कंप्यूटर का यूज़ करके आप किसकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि उसकी देखरेख कर सकते हैं. एंड योर ऑप्शन इज मशीन, पेशेंट्स, कीबोर्ड. सो कंप्यूटर इज यूज फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ पेशेंट. आप कंप्यूटर का यूज़ करके पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं. 15th इज यूजिंग कंप्यूटर वी कैन टाइप डैश. आप कंप्यूटर का यूज़ करके हम क्या टाइप कर सकते हैं. एंड योर ऑप्शन इज मूवीज, लेटर्स एंड म्यूजिक. सो विच वन इज करेक्ट इन दिस? यूजिंग कंप्यूटर वी कैन टाइप लेटर्स. आप कंप्यूटर का यूज़ करके लेटर टाइप कर सकते हैं. टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू डू दीज MCQ इन योर नोटबुक नीटली. बच्चों आपको क्या करना है, आपको जितने भी MCQ अब कराए गए हैं चैप्टर नंबर 1 में 1 to 15, वो सारे ही आपको नोटबुक में अच्छे से करने हैं. आपने कर भी लिए होंगे 1 to 10. आज आपको 11 to 15 करने हैं और उनको लर्न भी करना है. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.